हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज का चक्का जाम 90 दिन भी जारी। रोडवेज यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित न्यू वृद्धिचंद बस स्टैंड परिसर में 13 सूत्री मांगों को लेकर 90 दिन भी विरोध प्रदर्शन, धरना और चक्का जाम जारी रहा। मांगे नहीं माने जाने से रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन को तीव्र कर हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। राजस्थान स्टैंड रोडवेज संयुक्त मोर्चा शाखा अध्यक्ष रुगाराम धतरवाल ने बताया कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है, ऐसे में कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है। धरने को एटक अध्यक्ष रुगाराम धतरवाल, रावराम चौधरी, चैलाराम प्रजापत, कंवर राज पुनिया आदि ने संबोधित किया। मुख्य मांगे, रोडवेज कर्मियों के 2014 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिलाभ दिलाने, महंगाई भत्ता, बोनस, सातवां वेतनमान लागू करने, नई बसें खरीदने, नई भर्ती, अवैध बसों पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर 90 दिन भी रोडवेज चक्का जाम जारी है। वहीं दूसरी ओर यात्रियों को सफर करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं रुगाराम धतरवाल संयुक्त मोर्चे की तरफ से शाखा अध्यक्ष बाड़मेर, हड़ताल का आज हमारा 9वां दिन है। ये निकम्मी सरकार किसी भी प्रकार की कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए कर्मचारी भाई तो छोड़ करके जो यात्री भाई हैं वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके लिए हम खेद प्रकट कर रहे हैं, मगर हमारी भी मजबूरी है, हमें हड़ताल करने का शौक नहीं है, मगर ये निकम्मी सरकार किसी भी प्रकार की कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। जब तक कोई वार्ता नहीं होगी तो हम इसी प्रकार डटे रहेंगे और इससे आगे आक्रोश रैली होगी, हम बाइक पर रैली निकालेंगे या जो भी हमें आगे कार्य करना है सोच समझ हम कार्य करेंगे, मगर हम वार्ता के बगैर किसी भी हालत में उठेंगे नहीं और इससे आगे उग्र आंदोलन। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।